छठ गुजर जाने दीजिए, देखिए आने वाले समय में किस प्रकार से जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कांग्रेस की तरफ से नहीं गए, सुशील मोदी ने सवाल खड़े किया, कौन नहीं गया, आखिर सुशील कुमार कहाँ गए आप? अरे भैया उनकी ट्वीट पे जाओगे या मेरे कार्यक्रमों को देखोगे? कल हम समस्तीपुर में रहे, लोकसभा के उनके कैंडिडेट के लिए प्रचार करने का काम किया हम लोगों ने, मजबूती के साथ हम लोग एकजुट हैं, तो इसमें इनके बातों को ज़्यादा तूले नहीं देना चाहिए। अफवाह मियाँ हैं, उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। लोग उनको निकालने का काम कर रहे थे पटना जल जमाव में, NDRF की टीम, ऐसे व्यक्ति जो अपने पड़ोसियों का मदद नहीं कर सकते वो दूसरों की क्या बातें करेंगे। अमित शाह जी का बयान है उसमें उन्होंने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की नीतीश कुमार के साथ 2020 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये क्या बताता है, क्या एक तरीके से BJP बताती है कि अकेले दम पे वो चुनाव नहीं लड़ सकती है बिहार में? आप स्पष्ट हो जाइए, कभी भी तो नेतृत्व में ही हैं नीतीश कुमार के NDA, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे छोटे पार्टी के साथ सरकार में है और पिछलग्गू है। ये तो BJP के लोगों को चिंता करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास। और अगर अमित शाह जी के बयान को अगर आप देखिएगा तो उन्होंने बड़े चालाकी के साथ बयान दिया है कि नेतृत्व करेंगे, ये नहीं कहा कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। नेतृत्व करना चुनाव में और चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री रहेगा, इसमें भारी अंतर होता है। अभी तो कुछ दिन रुक जाइए, अभी तो भूमिका बनाई जा रही है, छठ गुजर जाने दीजिए, देखिए आने वाले समय में किस प्रकार से जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। मोदी कह रहे हैं कि एक बड़ा झटका RJD के लिए, तेजस्वी जी के किस बात के लिए जो आशा लगा के रखे थे, किस बात की गुंजाइश हो जाएगा, किस बात की? अरे छोड़िए, छठ गुजर जाने दीजिए, आने वाले समय में देखिएगा किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगता है। झारखंड में जो आप जा रहे हैं, अपने पिता से मुलाकात करेंगे, क्या झारखंड में जो नहीं, आज हमारी चुनावी सभा थी लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के जारी होने के बाद, पटना में बारिश होने के बाद हेलीकॉप्टर जो है क्योंकि हाई विजिबिलिटी पे चलती है तो उस वजह से उड़ान नहीं भर सकती, तो हमारे पास समय था, शनिवार है, तो कोशिश है कि हम अपने पिता का आशीर्वाद लें, उनके हाल चाल को जानें, और कल रांची में जो है युवा राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर जो है सभी लोगों को बुलाया गया है वहाँ, और एक रैली हम लोग जो है वहाँ कर रहे हैं। जैसे जी आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जो आपकी पार्टी, आपने स्वच्छता अभियान चलाया उसमें लगभग 96 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक आ गए हैं, जो एक आंकड़े के हिसाब से आपके पार्टी के करोड़ों के नए लोग जुड़े हैं, और आपकी पार्टी करोड़पति भी हो गई, आपके खजाने में बहुत सारा पैसा भी आया है, मानते हैं कि एक अच्छा संकेत है, लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? लोग परेशान हैं, बिहार के लोग, बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, ये डबल इंजन की सरकार, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है, ना स्पेशल पैकेज मिलता है, ना बाढ़ के लिए राहत मिलती है, ना सुखाड़ के लिए राहत मिलती है, जल जमाव की स्थिति होती है, कभी चमकी बुखार होता है, नौजवान जो है बेरोजगार हैं, गरीबों को जो है लाठी डंडों से फल बेचने वालों को, दूध बेचने वालों को, सब्जी बेचने वालों को मार के भगाया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कौन सा काम हुआ, डेंगू है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है, आप देखिएगा अभी भी देखिएगा आंकड़े जो हैं हज़ारों हज़ार आंकड़े जो है, सिर्फ पटना की बात कर रहा हूं मैं, और अभी तो महामारी बहुत ही फैलने का काम होगा, इसके लिए सरकार को गंभीर होकर के देखना पड़ेगा, लेकिन सरकार के लोग जो उन्होंने गलती किया, गलती करवाए, उसी को अवार्ड देने का काम किया उन लोगों ने, ना निष्पक्ष जांच, ना कोई एक्शन लिया गया सरकार, तो जो पटना के नगर आयुक्त कहाँ थे भैया, कहाँ लेके गए इस्तीफा देकर? जदयू दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है झारखंड के बाद, अब दिल्ली में भी नीतीश कुमार अपने किस्मत आजमाएंगे, ठीक है उसमें हम क्या कहें, तो झारखंड में भी लड़ रही है, वहाँ तो झारखंड में जाकर के BJP की बुराई करते हैं, दिल्ली में लगता है कि कुछ होगा, 23 तारीख को बदरपुर जा रहे हैं, वहाँ अपने पार्टी के नेताओं के साथ देखें, बिहार में हिम्मत है नहीं अकेले चुनाव लड़ने की, चेहरा खत्म हो गया, दूसरे राज्य की छोड़ दीजिए, झारखंड में आपका गठबंधन का क्या हुआ अभी तक, क्या हो रहा है, बातचीत चल रही है, एक बैठक हुआ है, अगला बैठक भी होता है।